हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन सेशन में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल है जो कि ए बी सी है और आइसोस्केलस है, इट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स कौन सी है? ए बी। ए बी इक्वल टू है ए सी, ठीक है। फिर उसने बोला द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? जो बी से लाइन जा रही है वो बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल। इन सेम वे सी का बाइसेक्टर, यानी कि सी पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो कि सी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। मैंने माना ये वाला पॉइंट क्या है? ओ। किस पे इंटरसेक्ट करें? ओ पे। देन जॉइन ए टू ओ, ए से ओ को क्या कर दो? जॉइन, ठीक है। तो उसने क्या बोला? देन वी हैव टू शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्या प्रूव करना है? दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। आप इसको दो मेथड से कर सकते हो, मैं दोनों मेथड आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट मेथड क्या है? देखो ध्यान से, मेरे को किसको प्रूव करना है? OB इज इक्वल टू OC। OB और OC, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रही हैं। दिस इज योर फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज योर सेकंड ट्राइंगल। अगर इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दो? कॉन्ग्रेंस प्रूव। तो यहाँ से ये उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या आ जाएंगे? इक्वल। तो पहले वही काम करते हैं, कौन कौन सी ट्राइंगल? AOB और AOC। तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल AOB एंड AOC। तो ध्यान से देखना बेटा, जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, मेरे को थ्री चीज़ें चाहिए होती है, थ्री चीज़ों में से जो आपके पास अवेलेबल है वो कर लो। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या है? गिवन। फिर उसके बाद ध्यान से देखना ये वाला एंगल, ठीक है। ये ए ओ, ए ओ क्या आ गया आपका? कॉमन। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ क्या आ गया? कॉमन। दोनों में है ये, दोनों ट्राइंगल में। तीसरी चीज क्या लोगे? सबसे बड़ी बात क्या है? तीसरी चीज क्या लोगे? ध्यान से देखो, हमने एक मेथड फॉलो किया था, एक रिजल्ट हमने यूज किया था। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल, अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो इसके अपोजिट इस ट्राइंगल में इसके सामने कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, ठीक है। ध्यान से देखना, इसके सामने कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। हमने एक रिजल्ट किया था, साइड्स अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। दूसरा इसका उल्टा रिजल्ट था, रिजल्ट क्या था कि अगर आपके एंगल्स इक्वल होंगे तो दो जो उसके अपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल। तो ध्यान से देखना बेटा, तो जो ये वाला एंगल है इसके अपोजिट है, तो ये वाला एंगल और इसके अपोजिट क्या है? ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया? ए ओ बी क्या आ गया? यहाँ से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा, ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ सी आ गया। तीन चीजें आपको चाहिए, तीनों चीजें आपके पास आ गई। तो यहां से क्या आ गया? सो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए ओ सी। जो आपकी ए ओ बी ट्राइंगल आपको गिवन है वो कॉन्ग्रेंस होगी कौन सी ट्राइंगल के? ए ओ सी के। कौन सी ट्राइंगल के? ए ओ सी के। कौन से क्राइटेरिया से? अब ये आपने निकालना है। ध्यान से देखो बेटा, ये वाली साइड इसके इक्वल, इसके अपोजिट एंगल आपका इक्वल, ठीक है। और क्या लिया था आपने? ये वाली साइड कॉमन। तो दो आपके पास साइड है और एक एंगल है, लेकिन दोनों साइड्स के बीच में एंगल नहीं है, दोनों साइड्स के बीच में नहीं। तो क्या आ जाएगा यहां से? कौन सा क्राइटेरिया? एस ए एस। कौन सा क्राइटेरिया? बाय एस ए एस। क्लियर, समझ आ गया सबको। दूसरा पार्ट क्या बोला उसने? ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो जो ये ए है, ए ओ है, वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? इस वाले एंगल को। ये प्रूव करना है। ध्यान से देखो बेटा, ये वाली ट्रायंगल अगर इसके कोरस्पोंडिंग, मतलब इसके कॉन्ग्रेंस हो गई, तो ये वाला क्या आ गया? इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया?
ए ओ बी, सो एंगल ए सॉरी बी ए ओ, बी ए ओ इज इक्वल टू ओ ए सी. रीजन क्या है? CPCT. रीजन क्या है? CPCT. जब दोनों एंगल ही इक्वल आ गए तो इट मींस क्या हो गया, ये बाइसेक्ट करें. हेंस AO किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A को. क्लियर? इसका मतलब AO किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A को. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.